हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ हैं, पॉजिटिव हैं। गाइस, आज मैं एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी के साथ लौटी हूँ और मुझे बहुत ही खुशी हो रही है इस एनर्जी को आपके साथ बताते हुए। सबसे पहले डिवाइन फेमिनिन, सॉरी, मैस्कुलिन की मैं करंट एनर्जी बताना चाहूँगी। डिवाइन मैस्कुलिन, बहुत लंबे टाइम से आप जिस सॉल्यूशन के लिए हल ढूंढ रहे थे या जो प्रॉब्लम आपकी लाइफ में चल रही थी उसका सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था, फाइनली वो आपको मिल चुका है और कुछ लोगों को मिलने वाला है। बट आप फिर भी कंफ्यूज हैं कि इस डिसीजन को हम ले या नहीं ले। तो ये यूनिवर्स का एक तरह से आपके लिए गाइडेंस है कि आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो करें, बिकॉज वो आपकी हेल्प कर रहे हैं। आपके आपके पास ऐसे काफ़ी लोग हैं जिनसे आपको हेल्प मिल सकती है, बिकॉज वो आपकी सोल फैमिली से रिलेटेड हैं। तो बिल्कुल भी टेंशन ना करें और उस चीज़ पर जिस पर आप वर्क करना चाह रहे हैं, या फिर आपको सॉल्यूशन तो मिल गया बट आप ये सोच रहे हैं कि इसको मैं स्टेप को आगे लूँ या नहीं लूँ, तो आप डरे नहीं बिल्कुल भी और आपके लिए हेल्प है। थोड़ी सी आप बस प्रे करें, आपको आपके पास बहुत सारी हेल्प है, क्योंकि आप इस टाइम ऐसी एनर्जी में हो, बहुत पॉजिटिव एनर्जी में, और आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हो। जो थिंकिंग आपके माइंड में चल रही है बिजनेस को लेकर, फैमिली को लेकर, या फिर आपकी डिवाइन फेमिनिन को लेकर, जो भी आपके मन में कुछ चल रहा है उस टाइम आप इस चीज़ को क्रिएट कर सकते हैं, अपनी विश फुलफिलमेंट कर सकते हैं, क्योंकि आपके लिए हेल्प है, यूनिवर्स की तरफ से भी हेल्प है आपके लिए, और जो डिवाइन फेमिनाइन है उनकी तरफ से भी आपके लिए हेल्प है। अगर आप उनसे भी डिस्कस करना चाहें तो उनकी तरफ से भी आपके पास आपके लिए हेल्प है। दूसरा, मैं यही कहूँगी कि जो आप जितना नॉलेज अभी तक जिस चीज़ के बारे में ढूंढ रहे थे या फिर जो चीज़ आप जानना चाह रहे थे वो नहीं मिल रही थी, वो आपको फाइनली इन दिनों में मिलने वाली है। खास करके कल और आज में तो आपको आपके आंसर के आपके क्वेश्चन के आंसर मिलने वाले हैं। बस इतना मैं कहना चाहूँगी कि आप उस चीज़ को लेकर थोड़ा टेंशन में नहीं आएँ। और हाँ, आपकी थोड़ा हेल्थ की बात करूँ तो आपकी हेल्थ इस टाइम थोड़ी नॉर्मल टाइप पे चल रही है। अप और डाउन में कभी आपको फीवर का सा फील होता है, तो कभी आपको कहीं भी बॉडी में अचानक से पेन स्टार्ट हो जाता है, हेडेक तो आपका अधिकतर बना ही रहता है। तो इसके लिए मैं आपको यही कहूँगी कि सबसे पहले तो अपनी टेंशन को दूर करें, और बहुत ज़्यादा जो आपके ओवरथिंक चल रही है उस चीज़ को लेकर दूर करें, क्योंकि आप जितना उस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं उसके लिए आपके लिए हेल्प है उस चीज़ के लिए। बस थोड़ा सा अपने आप को पॉजिटिविटी के साथ बैलेंस करें, क्योंकि वो हेल्प आपके लिए है। आप बस अच्छे से मैनिफेस्ट करें और आपके जो आसपास जो आपके सोल फैमिली है जिस पे आप ट्रस्ट करते हैं और जिन्होंने आपको हमेशा गाइड किया है और हमेशा आपका साथ दिया है, तो उनसे आप एक बार कंफर्म कर सकते हैं कि मैं इस चीज़ में स्टेप लूँ या नहीं लूँ, बिकॉज आपके लिए बहुत सारी हेल्प दी जा रही है यूनिवर्स के द्वारा। हो सकता है कि कुछ लोगों को तो किसी के कोई आपस में बात कर रहा होगा, कुछ आपस में कुछ कहा सुनी हो रही होगी और उनके कहा सुनी में आपको आपका आंसर मिल जाएगा, कुछ लोगों के साथ ऐसा होगा। और रहा लव की बात कहूँ, आपके इन दिनों में आने वाले जो ये मून के बाद जो आपके टाइम आने वाले हैं और जो ये 2-3 दिन आपके रहने वाले हैं मून के टाइम में, यानी कि ये आपके दिन बहुत ही पॉजिटिव एंड लव वाली एनर्जी में रहने वाले हैं। आपके चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ लव की लव होगा। आप बिल्कुल भी ना डरें और ना घबराएं। अगर आप फैमिली से कुछ डिसीजन लेते टाइम अगर डर रहे थे या ये सोच रहे हैं कि हम इसके बारे में घर वाली से बात करें या नहीं करें, तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं, बिकॉज अब आपके हक में ही होगा, वो आपको आपके लिए एग्री हो जाएंगे। इस टाइम आप ये स्टेप ले सकते हैं। दूसरा, मैं ये कहूँगी कि आप जो मेडिटेशन कर रहे हैं उसे कंटिन्यू रखें, क्योंकि आपकी जो सोल है वो ग्रोथ कर रही है, बहुत पॉजिटिव एनर्जी आपके इर्द गिर्द है इस टाइम। और एक बात मैं कहना चाहूँगी, अगर कोई आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है या फिर बहुत आपको टिकर फील करा रहा है, तो उसके साथ मूव ऑन करें, उसे छोड़ें, लेट गो करें, क्योंकि हर एक चेंजिंग कुछ पॉजिटिविटी के लिए ही लेकर आती है। अगर आपकी लाइफ में कुछ चेंजिंग चल रहा है तो ये इसलिए है ताकि आप कुछ पॉजिटिविटी के साथ आगे जुड़ सको। तो उससे डरे नहीं, उसे एक्सेप्ट करें और उससे बाहर निकल के अपने आप पर फोकस करें, अपने बारे में सोचें और अपनी सेल्फ ग्रोथ करें। यहाँ पर मदर अर्थ की एनर्जी बहुत है आपके लिए। अगर आप किसी से भी हेल्प नहीं ले सकते या नहीं बता सकते अपने दिल की बात, किसी को शेयर नहीं कर पा रहे हैं,
तो आप कुछ टाइम मदर अर्थ के साथ टाइम स्पेंड करें, बिकॉज आपको बहुत सारी क्लियरिटी मिलने वाली है। जो इल्यूजन, जो टेंशन, या फिर ये आपके दो राहों पे खड़े हैं कि इसको मैं करूं या नहीं करूं, उसको करूं या इसको करूं, इस चीज़ में अगर आप फंसे हुए हैं तो उसके लिए भी आपके लिए हेल्प है। आप बस पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ें और थोड़ा सा मैनिफेस्ट या ईश्वर से ये प्रे करें कि हमें जल्दी से वो क्लियरिटी दे, क्योंकि वो आपको मिलने वाली है। क्योंकि आपके लिए एक न्यू डोर ओपन हुआ है जिसमें आपको बहुत सारी ब्लेसिंग है, आपके लिए हेल्प है और बहुत पॉजिटिव एनर्जी आपके इर्द गिर्द रहेगी। तो या ये तो थी डिवाइन मैस्कुलिन की करंट एनर्जी, और जो ये आने वाले टाइम आपके रहने वाले हैं, एक तरह से न्यू डोर ओपन हो रहा है आपके लिए, जिसमें आपके लिए बहुत सक्सेस भी है, लव लाइफ में भी बहुत इम्प्रूव होगा आपकी लाइफ में, और बहुत टाइम से जो आप सेपरेशन में और उसमें चल रहे थे वो भी अब आपका ख़त्म होगा। तो फाइनली ये सब तरह से ये एनर्जी मुझे मिली है, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी मिली है चारों तरफ से। यानी अगर बिजनेस में बात करूँ तो भी आपको सक्सेस मिलने वाली है, और अगर आपकी लव लाइफ में बात करूँ तो उसमें भी आपको पॉजिटिव साइन मिलेंगे, पॉजिटिविटी मिलेगी, और आपको आपको अपनी जो काउंटर पार्ट सोल है उसके साथ भी आपका रीयूनियन बहुत जल्दी होने वाला है। और आपकी जो फैमिली आपको टिकर कर रही थी, जो आपकी फैमिली पर्सन आपको नहीं समझ पा रहे थे, अपनी आपकी इमोशन, आपकी फीलिंग को, तो वो भी अब आपकी हर बात को सुनेंगे अच्छे से और उस पर एक्शन लेंगे। तो डरे नहीं, अगर आप फैमिली से बात करना चाहते हैं इन दिनों तो कर सकते हैं, क्योंकि आपको पॉजिटिव रिजल्ट आपका पॉजिटिविटी के साथ ही मिलेगा और वो यस ही मिलेगा। तो इस टाइम अगर आप डिवाइन मैस्कुलिन आप मुझे सुन रहे हैं तो प्लीज़ आप इसे ज़रूर कोशिश करें, और आप अपनी फैमिली से बात करने की कोशिश करें, वो आपके हर डिसीज़न में आपका साथ देने के लिए रेडी है। या गाइस, ये थी डिवाइन मैस्कुलिन की करंट एनर्जी, और मैं आप सभी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ दिल से। आप सबने मुझे इतना सपोर्ट किया और सभी लोग मेरे साथ कॉपरेट होकर काम कर रहे हैं, मैं बहुत खुश हूँ। और बहुत लोग मुझे इस चीज़ को समझ चुके हैं, वो मेरी प्रॉब्लम को, बट मैं उसके लिए बहुत दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ आपका कि आपने मुझे समझा और मुझे इस तरह थोड़ा सा वक्त दिया। बाकी मैं कुछ लोगों को गाइडेंस दे चुकी हूँ, चाहो तो आप इंस्टाग्राम पर देख लेना, बाकी जो कुछ रह गए हैं उनको मैं जल्दी से फॉलो करूँगी और जल्दी से उनसे बात करने की कोशिश करूँगी। तो या ये थी गाइडेंस आज की। और हाँ गाइज, ये जो जिस जिसके साथ भी मैच हो प्लीज़ मुझे रिव्यू देना ना भूलें, मुझे बेट रहेगा, क्योंकि मुझे बहुत खुशी हुई है इस एनर्जी को देखकर। तो मुझे भी बहुत एक्साइटेड हूँ कि कौन मुझे सबसे पहले ये न्यूज़ देगा कि मैम हाँ DM के साथ ऐसा हुआ है और हम रीयूनियन में आ गए हैं। तो गाइस मुझे बेट रहेगा, जल्दी से आप मुझे कमेंट करना ना भूलें बिल्कुल भी, और मेरी तरफ से आपके लिए ढेर सारी ब्लेसिंग है, ईश्वर आपको बहुत जल्दी से जल्दी आपका रीयूनियन कराए। तो इसी के साथ मैं चलती हूँ, ओम नमः शिवाय, जय शिव शक्ति।